शिवजी की आज्ञा पाकर सभी तुरंत चल पड़े और शिवजी ब्रह्मा जी के साथ युद्ध स्थल की ओर चल पड़े। वो सब वहां पहुंचे। श्री ब्रह्मा जी ने मंत्र पढ़कर श्री गणेश का मृत शरीर शुद्ध किया। श्री विष्णु भी हाथी का मस्तक लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने हाथी का मस्तक श्री गणेश के गर्दन पर रखा। सारे देवता मंत्र पढ़ने लगे और कुछ ही समय के बाद श्री गणेश जीवित हो उठे। सभी ने राहत की सांस ली, खुशियां मनाने लगे। गणेशा माते, मेरे पुत्र, मेरे कारण तुम्हें बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ा। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है माते। अब से तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि सभी देवताओं में प्रथम तुम्हारी पूजा की जाएगी। तुम्हारी पूजा के बिना कोई भी शुभ कार्य अधूरा रहेगा। मुझे क्षमा करो पार्वती, ये मेरी उद्दंडता का ही नतीजा था। अब से गणेश मेरा भी पुत्र कहलाएगा। तुमने बड़े साहस का प्रदर्शन किया। अब से तुम विघ्नेश्वर के नाम से जाने जाओगी, जो सारे संकटों को दूर करता है। तो इस तरह ये सब हुआ, जिससे पता चला कि श्री गणेश कितने साहसी थे। किंतु साहसी होने के साथ साथ वो कितने बुद्धिमान थे, ये हम आगे देखते हैं। ये घटना उस समय घटी जब भगवान गणेश ने सिंदूरी राक्षस को मारने के लिए गजानन के रूप में जन्म लिया। तब वो ऋषि पराशर के आश्रम में थे जब ये घटना हुई। उन दिनों दुष्टात्माएं और राक्षस ऋषि मुनियों को परेशान करते थे और उनके यज्ञों में बाधाएं डालते थे। यही ऋषि पराशर के आश्रम में भी हो रहा था। वहां एक मूषक उन्हें परेशान कर रहा था। मूषक, एक चूहा। हाँ, एक मूषक। उसे देखो, वो कितना विशाल था कि हाथी भी उसके सामने चूहा लगे। उस मूषक ने, उस चूहे ने कई बार ऋषि पराशर के यज्ञ को भंग किया और एक दिन उन्होंने उस जगह को छोड़ने का निर्णय ले लिया। ऋषिवर, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? पुत्र, हमें यह स्थान शीघ्र ही छोड़ देना होगा। छोड़ देना होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं। हम लोग पवित्र धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि एक चूहा हमें परेशान कर रहा है। चूहा? हाँ पुत्र, एक मूषक। जब भी हम अपने अनुष्ठान आरंभ करते हैं, वो पता नहीं कहाँ से आ जाता है, सारा प्रसाद खा जाता है और हमें तंग करता है। एक मूषक ये सब कैसे कर सकता है? पुत्र, यह कोई साधारण मूषक नहीं है, वो एक हाथी से भी बड़ा है। ओ, मगर किसी की वजह से अपना स्थान छोड़ना ठीक नहीं है। मुझे एक और मौका दीजिए और आपसे वादा करता हूँ कि मैं न सिर्फ उस मूषक को पकड़ूंगा बल्कि उसकी सवारी भी करूँगा। तथास्तु। गजानन से आश्वासन मिलने के बाद सारे ऋषि अनुष्ठान की तैयारियां करने लगे। आप शुरू कीजिए। और जैसे ही समय हुआ अनुष्ठान का, देखता हूँ अब वो क्या करता है। तुम मुझे पकड़ना चाहते हो? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। रुक रुक, भक्ता कहाँ है? रुक। रुक, ये बालक मजेदार होते जा रहा है, मैं दौड़ भी नहीं पा रहा हूँ।
कोई साधारण बालक नहीं है। क्षमा करें, आप जो चाहे वैसा ही मैं करूंगा। वचन दो, तुम किसी को परेशान नहीं करोगे। मैं वचन देता हूँ। अब से तुम मेरे वाहन रहोगे, चलो। और उस दिन से चूहा मूषक भगवान श्री गणेश का वाहन बना। ऐसी अनेक कथाएं हैं जिसमें भगवान श्री गणेश लोगों के जीवन में आई बाधाओं को नष्ट करते हैं, विघ्न दूर करते हैं। इसीलिए उन्हें कहा जाता है विघ्नहर्ता श्री गणेश। समय का चक्र चलता रहा और श्री गणेश और पार्वती जी और शिव जी के दूसरे पुत्र कार्तिकेय दोनों बड़े हो गए। बंधु, तुम फिर हार गए। यह सही नहीं है, तुम हमेशा उनके आसपास ही रहते हो और जब मैं उनके आशीर्वाद लेने आता हूँ तब तुम जल्द से उनके चरण छू लेते हो, यह ठीक नहीं है। मैं तो तुम्हारा मजाक कर रहा था, चलो चलो दिखाता हूँ। वे दोनों बड़े तो हो गए लेकिन अभी भी बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं। तुम ठीक कहती हो, अब वे बड़े हो गए, मैं सोचती हूँ कि उनका विवाह हो जाना चाहिए। पर सबसे बड़ा प्रश्न है किसका विवाह पहले करें। क्यों ना हम उनसे ही पूछें? ये ठीक रहेगा, मैं आज ही रात दोनों से पूछूंगा। आपने हमें बुलाया पिताश्री? मैंने तुम्हें तुम्हारे विवाह के संदर्भ में बुलाया है। समय आ गया है कि तुम दोनों का विवाह करवा दिया जाए, पर मेरी समस्या है किसका विवाह पहले करें। बेशक मेरा ही विवाह पहले होना चाहिए, मैं गणेश से बड़ा हूँ। बड़े हुए तो क्या हुआ, मैं तुमसे अधिक काबिल और बुद्धिमान हूँ। सिद्ध करो। क्यों नहीं, मैं तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, समझे? मैं ज्यादा साहसी हूँ। ठीक है, तुम साहसी हो सकते हो पर मैं दोनों हूँ, इसलिए मेरा विवाह प्रथम होना चाहिए। ठीक है ठीक है, जो सबसे पहले मेरी शर्त पूरी करेगा उसी का विवाह सर्वप्रथम। मुझे पूरा विश्वास है गणेश से पहले ये शर्त मैं ही जीतूंगा। ठीक है, देख लेंगे। तो सुनो, तुम में से जो भी पृथ्वी प्रदक्षिणा सर्वप्रथम पूर्ण करेगा उसका विवाह पहले होगा। क्यों नहीं, मेरा वाहन मयूर है, मैं उस पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करूंगा, जो कि मैं मानता हूँ तुम्हारे चूहे से ज्यादा मेरा वाहन मयूर तेज है। सब कुछ तुम पर है। इसे देखो, बगैर किसी चिंता के सो रहा है। और क्यों नहीं, मुझसे प्रतियोगिता जो जीतने वाला है, लेकिन मैं कैसे जीत पाऊंगा? सबसे पहले तो मेरा वाहन चूहा, जो धीरे धीरे चलता है, और यदि मैं पैदल चलूं, तो मेरे मोटे पेट के कारण मैं चल भी ना पाऊं। करूं तो क्या करूं? कुछ सोचना पड़ेगा। पर करूं क्या? पर कोई तो रास्ता होगा। हाँ, यह चलेगा, मुझे यकीन है कि मैं जीत पाऊंगा। माफ करना बंधु, तुम फिर से हारने वाले हो, चलो अब सोते हैं। इस बार मैं ही जीतूंगा, सूरज जल्दी से उगने वाला है, मुझे स्नान करके निकलना चाहिए, इसके उठने से पहले मुझे निकलना होगा। मैं चलने के लिए तैयार हूँ और अभी तक ये सो रहा है। कुछ भी करो बंधु, पर मैं ही जीतूंगा। कार्तिकेय ने अपनी यात्रा तो प्रारंभ कर दी, लेकिन गणेश क्या कर रहे हैं? हाँ सचमुच, यात्रा के लिए वो तो अब तक तैयार भी नहीं हुआ। मुझे लगता है उसकी और कुछ कल्पना होगी, चलो हमें चलना चाहिए। पिताश्री, माता, आप यहाँ बैठिए। क्यों गणेश, क्या तुम अपनी यात्रा आरम्भ नहीं करोगे? क्यों नहीं, प्रथम आप विराजमान तो हो जाइए। हम्म,
पिताश्री, मैंने आपकी शर्त पूर्ण कर दी, मैं जीत गया। शर्त पूर्ण कर दी? हाँ, आपने हमें पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा, जो मैंने अभी पूर्ण की। मगर कैसे, तुम तो अभी यात्रा के लिए निकले भी नहीं, और कार्तिकेय ने यात्रा का कुछ भाग पूर्ण कर लिया होगा। पिताश्री, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैंने आप दोनों की परिक्रमा 7 बार कर ली। हम समझ नहीं पा रहे तुम क्या कहना चाहते हो। माता, हमारे वेद पुराणों और शास्त्रों में क्या लिखा है? लिखा है कि अपनी माता पिता की परिक्रमा पूर्ण करने से पृथ्वी परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है, और मैंने तो वो 7 बार पूर्ण की। सत्य कहा पुत्र, हमारे वेद पुराण महान हैं और वे कभी भी झूठ नहीं कहते। कार्तिकेय साहसी जरूर है, मगर तुम बुद्धिमान हो। और तुमने परिक्रमा पहले पूर्ण की, इसलिए हम तुम्हारा विवाह पहले करेंगे। तो इस प्रकार गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया, जिसका कोई जवाब नहीं। शिवजी की शर्त सर्वप्रथम पूर्ण करने की वजह से उसका विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ, जो विश्व ब्रह्मा की 2 सुंदर कन्याएं थी। ऐसा कहते हैं कि जो भी भगवान गणेश की आराधना करते हैं, उसे सिद्धि यानी सफलता और बुद्धि यानी ज्ञान आप ही मिल जाता है।